अरे के चल रहा भाई, मैं तो तुझे देखना आया था। जो देखने आए थे वो देख लो। या तो नुई कहती रहे, पता ना के बतावे। यू इस क्विज का भी बड़ा केड़ा काम है। इसमें तो मेरा इंजन, बॉडी, फिल्टर सब हिला दिया। लग रहा सर्विस करनी पड़ेगी। पता चल गा? हाँ चल। जब तो मुझे बहुत बात बनावे। अरे आदमी ऐसी बना दे एक दूसरे को बात, अब बियर पिला दे बस। यार समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ उल्टा हो रहा है। मेरी लोंडे मेरे हाथों से निकलती जा रही है और तेरा लोंडा तेरे हाथों से निकलता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा साला क्या करे। तू मुझे कुछ सोचने दे, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला मुझसे नहीं हूं। अब क्या करेगा तू? तू देखता जा मैं क्या करता हूं। बल्लो। जी बाबूजी। ये पैसे रख और सुन। ठीक है, बाकी बात मैं तुझे फोन पे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। जाओ। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहाँ पर है? पापा जी मैं तो अपने दोस्त के घर पे था। बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो एक काम कर तू जल्दी घर आ जा। अच्छा चलो आता हूँ मैं। ठीक है बेटा। क्या हो गया? यार वो पापा जी का फोन था, उनकी तबीयत बहुत खराब है, जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा पायल मैं भी चलती हूँ, सोनू के साथ ही निकल जाऊंगी और दो चार दिन में वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चले तो फिर। वैसे भी मुझे काम धंधे पे जाओ कई दिन हो लिए, काम तो करना ही पड़ेगा अगर घर बसाना है तो। अरे वैसे भी मेरे उसका मिस्त्री का फोन आया था, उस्ताद का, नू कह रहा था आता हो तो आ जा, ना तो काम कैडा हो जाएगा, जाना तो मुझे आप पड़ेगा। रोज रात को यही आ जाया करो, ऊपर वाला कमरा तो वो है ही खाली। और दोपहर का खाना मैं ले आऊंगी दुकान पे। यू भी ठीक है, तेरी सारी टेंशन ही खत्म। हाँ ठीक है, जैसी सबकी मर्जी। तो फिर मीनू चलने की तैयारी करो तुम। चलो। इस गाड़ी को बिल्कुल शोरूम कंडीशन बना दूंगा। कहाँ था तू अब तक? आज टाइम मिला तू जाने का? मलिक साहब तुम तो जाने ही हो, मैं उड़ता पंछी हूँ, मैं तो कहीं भी कैद हो जाऊँ। ओए ध्यान दे सुन, पहले तू कह रहा था आज मैं कह रहा जा मौज ले। मलिक साहब मौज तो बहुत ले ली, अब घर भी तो बसाना है। ठीक है यार खूब घर बसा, तुझे कौन मना कर रहा है, मेरे दौरे नहीं कहीं और इल्ला देख। मैं तो देख लियो मलिक साहब, पर थारा के होगा? हमें भी कोई ना कोई मिल जाएगा। मलिक साहब थारे बस की तो है ना, मुझे लग रहा तुम किसी के भकाए में कह रहे दिखो। ताऊ जी आप? अरे वो ताऊ जी के बच्चे, तूने मेरे बेटे का जीवन तो नष्ट कर दिया उससे दोस्ती करके। अब ये बता उन्हें छोड़ने का क्या पैसे लोगे तुम, क्या है तुम्हारी कीमत? तुम के कह रहे हो ताऊ जी, भाग जाए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तेरी यहाँ। जाओ मेरी तरफ मत देखो, कहीं और देखो अपना काम। ये लो प्रदीप मैं खाना ले आई। आओ तुम्हारी ही कमी थी। अंकल आप यहाँ? चुप कर अंकल की बच्ची, क्या बात है, अपने यार को खाना भी लेकर आई है। एक काम कर गरीब लड़की, अपने हाथों से खिला दे इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों कुछ गलत कहा मैंने? इन गरीबों को हमारे बच्चों ने दौलत क्या दिखा दी, ये तो अपने आप को अमीर ज्यादा समझने लगे। पागल हो गए दोनों। देख मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? अभी भी नहीं समझा? अरे चला जा उस गंदी नाली में जहाँ से तू आया है और छोड़ मेरे बेटे का पीछा। और सुन इस गंदगी को भी अपने साथ लेकर जा, जा। मैं तो चला जाऊंगा सेठ जी, पर अपनी लड़की को कैसे समझाओगे, मैं उसके दिल में रहता हूँ। अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो एक मिनट में तुम दोनों के आस्की का भूत उतार दूंगा, समझ गया? चल। हम तो अपनी बकवास बंद कर लेंगे, पर आप कैसे समझोगे अपने बच्चों को?
ओए सेठ, अपनी औकात में रह। मेरी यारी ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना अब तक पता ना तेरा के हाल करता। क्या आज की है? वाह वाह, क्या बात है, घनी तकड़ी आज की चले दोनों के बीच। अरे छोड़ो सेठ जी, मैंने सिर्फ काम से निकाल दिया है, अब ये जाने इसका काम है। मलिक साहब, मुझे क्या नौकरी से निकालोगे आप? मैं खुद इस नौकरी को छोड़ कर जा रहा हूँ। तो जाना फिर, जा कहीं और। ताऊ जी, थार तो मैं बाद में बात करूंगा। अबे ओ गंदी नाली के कीड़े, साथ में इस गंदगी को भी लेकर जा, जा। सेठ जी, घमंड तो रावण का भी न रहा था। रावण का रहे न रहे, लेकिन हमारा जरूर रहेगा। चल पायल। और हाँ, ले जा इस गंदगी को अपने साथ, जा चल। तू अभी तेरी रोल लगी, अभी तो देखना है हमारे साथ क्या क्या चाल चलेंगे। तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो पायल चलो। अरे यू कौन पड़ा भाई? प्रदीप, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पायल, पायल, तुम ठीक तो हो पायल? क्या हुआ, ठीक तो हो? रो मत, चुप हो जाओ। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम मेरी बहन हो ना। अरे क्या हो गया भैया? कुछ गुंडे पायल के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कहाँ हैं? अब तो वो भाग गए। तू ठीक है? भाई प्रदीप, तैने मेरे घर की इज्जत रख ली। कैसी बात कर रहे हो भैया, आप तो हमारे बड़े भाई जैसे हो। ठीक है, तू इसे घर लेके जा, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ठीक है भैया। यार तो समझता क्यों नहीं है, वो हमारे लिए कहाँ है, वो कहाँ और हम कहाँ? पर पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं नहीं मानता, मैं उससे ही ब्याह करूंगा। यार हम उस गरीब लड़की को अपने घर में कैसे ले आएंगे? पर पापा, आपको मेरी खुशी के लिए मानना पड़ेगा, मैं नहीं। अरे बेटा समझा कर, हमारे स्टेटस का सवाल है ये। स्टेटस का सवाल होगा आपका, पर मुझे उससे ब्याह करना है। ठीक है बेटा ठीक है, तू जीता मैं हारा। एक काम कर, कल उनको घर पे बुला ले, उसके भाई को बुला ले, बैठ के बात कर लेंगे।
ओ थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। अरे बेटा तेरे लिए तो मुझे इतना करना पड़ेगा ना, औलाद के लिए माँ बाप भी तो करते हैं। ओ थैंक यू सो मच पापा, आपने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। पापा ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं प्रदीप से ही शादी करूंगी। खैर बच्चों के सामने सारी दुनिया झुक जाती है, और आज तेरा बाप झुक जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल मिलवा। पापा यू आर ग्रेट, आज मैं बहुत खुश हूँ। पापा सोनू के पापा पायल और सोनू की शादी के लिए मान गए हैं, प्रदीप भी वहाँ पे आने वाला है, मैं आपको वहीं पे उनसे मिलवा दूंगी। अच्छा वो मिलेंगे मुझसे? जितनी जिद्दी मैं हूँ वो भी उतना ही जिद्दी है, जो एक बार ठान लेता है वो वही करता है। मुझे अपनी बेटी की पसंद पर बहुत नाज है, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट। आखिर मैंने अपने पापा को मना ही लिया। पापा तो मेरे भी मान गए हैं, पर बड़ी मुश्किल से। ये पायल और प्रदीप कहाँ रह गए? अरे मैंने फोन तो किया था, कह रहे थे आ रहे हैं। बस एक बार किसी तरीके से आ जाएं। आज हमारी जिंदगी का बड़ा खुशी का दिन है। अरे पायल आ गई तू? हाँ। अरे आओ मारती आओ, बैठो। राम राम जी। राम राम। बैठो बेटा। पापा ये है प्रदीप, और मैं इन्हीं से मिलवाना चाहती थी। बेटा तुम्हारी पसंद मेरी भी पसंद है। सेठ जी मैं वो यूं बदलना हूं, ध्यान तो देख लियो। तू ना बदला बेटा। छोटो मैं तो बदल गया। चाय ले आ। कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता। मेरे बच्चों कहाँ रह गया? आगे चाय आगे रख बेटा, चाय पियो। बाबूजी कुछ कागज आए हैं। देखिए सोनू मुझे लगा प्लॉट का कागज हो इसमें। कागज? अरे कौन सा फिल्म के फोटो आ गए? फिल्म तो आ गई पर तेरी फिल्म आ गई। अरे हम किन्ने हीरो बना दिए? ले देख तू भी आंखों से। दिखा ले। खा यू मेरे बेटे को धोखा दे रहा, इसकी पीठ पे छुरा घोप रहा है। सही कह रहा दोस्त, इसकी आदत ही है पीठ के पीछे छुरा घोपने की, मेरी बेटी को प्यार के चक्कर में फंसा कर और मजे ले रहा इस लड़की के साथ। ये आप क्या कह रहे हो? अच्छा हम क्या कह रहे हैं, तेरी करतूतें साफ साफ दिख रही है, और ये फोटो क्या हमने जबरदस्ती बनवा दी है? सोनू मेरे भाई तू मेरा यकीन तो कर, कोई हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा। ओए, तू इतना बड़ा लाट साहब नहीं है जो तेरे खिलाफ साजिश रची जाए। मीनू मेरा विश्वास कर, ये साजिश है। ओ गरीब लड़की, नजर मेरे बेटे की दौलत पर और मजे ले रही है इस लड़के के साथ। चुप रहो अंकल जी, ये सिर्फ सोनू की शर्म है, वरना मैं अब तक बहुत कुछ कर देता। क्या कर देता तू? मेरे सामने मेरे बाप को धमका रहा तू? ये तस्वीरें चीख चीख के तेरा पूरा पर्दा फाश कर रही है। ये सब झूठ है सोनू, मेरे भाई कोई हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, हम दोनों को अलग करना चाह रहा। ओ नंगे
तू नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अभी तेरा पर्दाफाश करता हूँ। हाँ भाई, तू तो इसका भाई है ना? हाँ जी। तो बता क्या हुआ था? भैया, मैं नहीं चाहती थी कि सबको पता चले, लेकिन अब आप बताओ कि क्या हुआ था मेरे साथ। हाँ भैया बताओ, उस दिन रस्ते में पायल को कुछ गुंडों ने घेर लिया था, उसके बारे में बताओ, इन्हें बताओ। बता, चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, बोल अब। कौन से गुंडे, कहाँ मिले थे गुंडे? पायल क्या बताऊँ, तू ही बता दे जो बताना है मुझे। भैया आप ये क्या कह रहे हो, सच सच बोलो, मेरी जिंदगी का सवाल है। हाँ भैया बताओ, इन्हें बताओ। ठीक ठीक बता, ये लड़का तेरे घर में रहता है ना? हाँ जी, मेरे ही घर में रह रहा है। और इन दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? ये तो पता ना, मैंने इसे कई बार इसके कमर में ऊपर जाते देखा। भैया अब ये क्या बोल रहे हो? भैया आपने तो मुझे जीते जी ही मार दिया। कमीने, मारूंगा तब मैं तुझे। सोनू मेरे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश कर, ऐसा कुछ नहीं है। तेरा क्या विश्वास करूं, निकल यहां से। सोनू मेरे भाई, मेरी बात समझ, कोई हमारे दोनों के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी कराना चाहता है। तू मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा भाई है भाई। अरे कट्टर है तू, निकल मेरी आंखों के सामने से। सोनू मेरा विश्वास करो और लेके जा इस गंदगी को मेरी नजरों से बहुत दूर, गद्दार। और हमारी जिंदगी से इतना दूर चले जाओ कि कभी नजर मत आना। पायल सुनो, पायल, पायल रुको, पायल रुको। कहाँ जा रही हो पायल? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ जिस भाई ने मेरी इज्जत सबके सामने नीलाम कर दी, या उस सोनू के पास जाऊँ जिसके लिए मेरा प्यार कुछ नहीं, मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे सोनू से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमें गलत समझेगा, मैं हम दोनों की सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगा। और कौन कहता है कि तेरा कोई नहीं है, आज से मैं तेरा भाई हूँ, तुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ घर चल, मैं तेरा साथ दूंगा मेरी बहन। मेरे लिए खुद को क्यों जला रहे हो? आग एक है पायल, और उसमें जलने वाले हम दोनों। रुक 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 रुक, आओ बाहर आओ। पायल तुम ठीक तो हो? पायल ये कहाँ ले आए सोनू? यार की सच्चाई दिखाने लाया हूँ। प्रदीप देर से ये उम्मीद तो ना थी मुझे। मैं सब समझ गई सोनू, चलो यहाँ से। बेटा बाप होने के नाते मैं तुम्हें इससे बढ़िया सलाह नहीं दे सकता। जलाओ उसको जिसने तुम्हें जलाया है, तुम्हारे साथ धोखा किया है, दोस्ती के नाम पे फरेब किया है। बेटा तुम्हारी खुशी के लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन जान बूझ कर तुम्हें नरक में नहीं झोंक सकता। फैसला तेरा है सोनू, मेरा क्या? मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद तो खुश रहे, ताकि मेरी आत्मा को शांति तो मिले। देख मीनू बेटा, ये रिश्ते जो है ना ऊपर से बन के आते हैं, और तुम्हारी एक गलती तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर देगी, समझी मीनू? भगवान का इशारा समझो बेटा। पापा आपका फैसला हमें मंजूर है, हम क्यों घुटघुट कर मरे उनके लिए जिन्होंने दोस्ती में फरेब किया है, हम भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे, क्यों मीनू? पापा मैंने भी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा पापा। देखा रघु, मेरे बेटे ने आज मेरी छाती चौड़ी कर दी, अब तू एक काम कर, तैयारी कर और बजा सेनाई। ठीक है तो। SBM Music.
ओई बिछोड़ के न कल्ला मन चल्या जाइए ना मैं समझू सु तने मेरा प्यार उजले ओई बेकाचाए पड़ा से मेरे रुख प्यार का न जान के चलाइए तलवार उजले ओई बिछोड़ के न कल्ला मन चल्या जाइए ना मैं समझू सु तने मेरा प्यार उजले इबे काचाए पड़ा से मेरे रुख प्यार का न जान के चलाइए तलवार उजले ओ म्हारे दोनवा की जोड़िया बनाई राम ने वो कदे कुछ भी ना बिगड़ा कर से प्यार का चल बैठ के न करा समाधान वो चले कदे कुछ भी ना बिगड़ा कर से प्यार का चल बैठ के न करा समाधान वो चले दूर तेरे ते राखिए तू मन अपने पास में तेरी गल्ला जीना और तेरी गल्ला मरना लगाए बैठी के मैं आस तेरे ते होया कोनी जावे इब दूर तेरे ते राखिए तू मन अपने पास भाई क्या सोच रहा है ये जो घायल शेर होते हैं ना साले बहुत खतरनाक होते हैं तू चिंता मत कर इस बार मैं उस हरामजादे पर खुद नजर रखवा रहा हूं अरे तू काहे को चिंता कर रहा आप पैक मारेंगे मेरे होते हुए क्यों टेंशन ले वाह भाई वाह यारी में गद्दारी करके मौज मनाई जा रही है सरेआम रंगरलियां मनाई जा रही है यहाँ पे जब दोस्त बेशरम हो जाए ना तो कुछ भी कर सकता है अगर यही बात मैं तेरे से कहूँ तो इनको इनके हाल पे छोड़ दो सोनू और वो बताओ जो हम इनको यहाँ पे बताने आए हैं सॉरी माय लव और हाँ
तुम दोनों सुनो, परसों हम दोनों मंगनी कर रहे हैं और तुम तीनों इनवाइटेड हो। मतलब तू और तुम्हारा होने वाला ये बच्चा। तुम लोगों की तरह छुपके नहीं करते हम, जो करना होता है सरेआम करते हैं। समझ गया तू, या और समझाना पड़ेगा? वो दर्द बनकर भी इतना अच्छा लगता है, न जाने क्या होता अगर वो हमदर्द होता। पायल, पायल उठो, दवाई लो, आराम से उठो, ले इसे।
अरे छोड़ उनकी बात यार, हमें तो शॉपिंग पे चलना है ना। चलो ठीक है। अरे ये झाड़ से किन्ने अड़ा दिया क्या ड्राई। कहाँ गई? प्रदीप तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ मैं, ये काम तो मुझे बहुत दिन पहले ही कर देना चाहिए था। छोड़ो प्रदीप, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? हटो तुम, छोड़ो प्रदीप, छोड़ो, हटो प्रदीप। चुप। सोनू बचाओ मुझे, सोनू कहाँ हो तुम? आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। सोनू बचाओ मुझे। हेलो हेलो, आवाज तो आ नहीं रही। हेलो, बे क्या नाटक कर रहा है? जोर से बोल के बात है, है? अच्छा जी, आलिया आलिया आलिया। बहुत बढ़िया बनता है ना तू? छोड़ो इसे। हट। आओ। पकड़ो इसे हम जल्दी। पकड़ो इसे हम जल्दी। तुझे समझाया था ना? यहाँ से दूर चला जा। आज तेरा नाटक हम काट देंगे, तेरा बक्कल काट देंगे हम। सुन, बल्लो। इस हरामजादे को ना इसके घर में कैद करके हड्डी पसली तोड़ दो इसकी, और बाद में बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। ले जाओ उसे। सोनू सोनू, तू ठीक तो है बेटा? तू ठीक तो है? आजा बेटा। मीनू ठीक तो है? सुनो, तू एक काम कर सोनू, तुम मीनू को लेकर घर पहुंच, हम आ रहे हैं अभी। चलें? चल चल। मीनू तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन वो हराम ज्यादा प्रदीप ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता। तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं पगली तू, डर मत, मैं हूं। मार साले को। खड़ा हो जा। <ुँ। coughs>
छोड़ो, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। ए छमिया, बहुत प्यार आ रहा है तेरे यार पे, ये देख अपने यार को, छोड़ दो पायल को। देखा मेरा कमाल, सांप मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यस, तभी तो हमारी चाल कामयाब होगी। वो मर जाएगा, प्लीज उसे बचा। बचाना होता तो मारते ही क्यों? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लो। छोड़ देंगे गरीब लड़की, लेकिन उससे पहले तू हमारे पैरों में गिर। हरामजादी, हमारे पैरों में गिर के अपने यार की जान की भीख मांग, तब हम छोड़ेंगे उसे। गिर पैरों में। जब कोई गरीब पैरों में गिरकर भीख मांगता है, बहुत मजा आता है। ले ले मेरे यार, ले ले मजे मेरे राज में। आ अंदर देखते हैं। बल्लो, इसका बैंड बजाना छोड़ और सुन, कल इसको और इसकी महबूबा को इतना दूर ले जाइयो, समझ रहा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है बाबूजी। जा, छोड़ दिया। कल मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा देंगे। जा, जी ले अपनी जिंदगी। चले यार, ये कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं। अरे यार तू घबरा मत, मैं कभी भी मरा हुआ सांप अपने गले में नहीं डालता। तू देखता जा और शादी की तैयारी कर। चल। ठीक है, चलो। अरे बहुत हो लिया तुम्हारा नाटक, चलो बहुत लंबे टांगने तुम, चलो चलो यहाँ से। मैं यूं नहीं जा सकता यहाँ से। प्लीज प्रदीप, चलो यहाँ से। पायल, मैं यूं हार मानकर नहीं जा सकता, और उन कमीनों ने जो एक कलंक मेरे मुंह पर लगाया है, मैं इसके साथ नहीं जी सकता। अरे भाई, गोली हम मारेगा, हमें गोली मारे बहुत दिन हो गए हैं। भाई गोली तो तू ही मारना, पर पार्टी देना पड़ेगा। दे देंगे यार, दे देंगे। अरे बॉस क्या रहा? हो गया उनका पूरा नाटक, आज लगा देंगे ठिकाने। वाह, तुम मुझे बहन मानते हो तो तुम्हें इसी बहन की कसम है, मैं अपने भाई को यूं तड़पते हुए नहीं देख सकती। पायल, तुमने ये कैसी कसम दे दी है मुझे? हुआ नहीं क्या अभी पूरा नाटक? जल्दी लड़ा लो नैन, चल बे। अरे हमें देर हो रही है, आ रहा ना के। अरे बोस लग रहा है डोज देना पड़ेगा फिर से। उठाओ सामान, चलो यहाँ से, उठाओ सामान। अरे बॉस कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? बहुत लंबा, बहुत ही लंबा। इनका नाटक आज खत्म। सोनू, आज तेरी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। अरे छोड़ ना मेरे दोस्त, बच्चों को इनकी जिंदगी जीने दे। ले बेटा पहना दे। सही कह रहा, ले सोनू और पहना दे अंगूठी हमारी होने वाली बहू को। अरे ये कैमरे वाले कहाँ हैं? अरे कैमरे वाला नहीं आएगा तो मंगनी नहीं होगी क्या? होगी। कैमरे वाला, चलो पहनाओ बेटी, पहना पहनाओ पहनाओ। अरे मेरे यार की शादी, यहाँ फोटोग्राफर का क्या काम? अरे यार लटूरी, तन्ने बहुत बढ़िया करा, तू यहाँ आगा खींच हमारी फोटो। तू यहाँ कैसे आया भाई? तुझे यहाँ किसने बुलाया?
यार बुलाए नहीं जाते, यार खुद चले आते हैं, क्योंकि यार बहुत प्यारे और बहुत कमीने होते हैं। अरे पहनाओ ना। अरे वाह, अरे बल्लू मिठाई लेके आओ भाई। वाह भाई वाह, रसगुल्ले। अरे टूरी तू आ तो गया, रसगुल्ले खा। भाई मैं खाऊंगा दो, अरे एक अपने दोस्त का एक अपनी दोस्तनी का। तो ले खा। क्यों मीनू जी, दो ही खा तू चल। यस, एक और ले ले, तीसरा भी लेगा क्या? ना ले भाई। भाई लटोरी, हाँ? फोटो खींच तो लिए, हाँ? अब दिखा भी दे। अभी दिखाता हूँ। हाँ। ये देखो फोटो, ये देखो, ये देखो, फिर और देखो। ये देखो, ये क्या तमाशा है, गलत है ये? ना अंकल जी ना, जब पायल के प्रदीप के फोटो आए थे तो आपको अच्छे लगे, आज मीनू के सोनू के फोटो आपको बुरे लग रहे। पागल तो नहीं हो गया? पागल बनाया आपने मीनू का और सोनू का, पागल बनाया प्रदीप का और पायल का, सारा काम खुद करवाया, बचपन के दोस्तों का आपस में लड़वाया, जिंदगी बर्बाद कर दी तेने, सबकी जिंदगी बर्बाद। लटूरी क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूँ मैं, प्रदीप जबान का कड़वा जरूर है पर दिल का सच्चा है मेरा यार, पूछ इससे अपने कमीने भाई से। भाई कुछ तो बताओ, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। मैं कुछ ना जानता। बताओ भाई बताओ, बचा लो इन चारों को। भाई कुछ तो बताओ, ये हमारी जिंदगी का सवाल है और कसम है तुम्हें, हम दोनों की दोस्ती की। भाई मुझे नौकरी से मत निकालना, सेठ जी ने तुम्हारी भाभी को किडनैप कर लिया था और जान तो मारने की धमकी दी थी, और ये कहा था जब तक इन दोनों की शादी ना हो जा अपनी जुबान बंद रखिए, मैंने इसी मारी झूठ बोल रहा था। भाई सच सच बताओ क्या बात थी? भाई कुछ गुंडों ने पायल को उठा लिया था और प्रदीप ने अपनी जान पकेल के उसकी जान बचाई थी। और वे गुंडे तेरे बाप के थे, और यू गंजा भी साजिश में शामिल था, तुम्हारी दोस्ती का गला घोटने वाले शैतान है शैतान। पापा ये सब क्या है? बेटा मैंने तो ये तेरी भलाई के लिए किया था। तुमने मेरी भलाई के लिए नहीं किया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें बाप कहूं या चल्ला। आजा भाई आजा। सोनू सोनू बेटा नहीं नहीं बेटा सोनू। पापा टाइम भी साथ कर छोड़कर हमला करती है, और तुमने तो अपने बच्चों पर ही रहम नहीं खाया, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तेरे प्यार को समझ नहीं पाया। सोनू गलती हम दोनों की है, हमने अपने दोस्तों पे विश्वास ना करके अपनी दोस्ती पे कलंक लगाया। तो इस कलंक को मैं अपने खून से धोऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी दोस्ती को बदनाम नहीं होने दूंगा। जा बचा ले अपने यार को, तू शहर छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए, मेरे रहते ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। सोनू मैं भी चलूंगी, मुझे भी पायल से माफी मांगनी है। आ राजू कहीं देर ना हो जा। यार रघुनाथ ये मेरा क्या कर दिया, हमने अपने दोनों बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं अपनी इस गलती का पछतावा करूंगा। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। भाई हम उन बच्चों को अलग नहीं करेंगे, उनके प्यार को हम समझ नहीं पाए। भाई वो तो घर पे भी ना, 12 देखेंगे चल। क्यों ना?
जान एक है तो जिसमें दो क्यों बनाए। खुदा ये कैसा ख्याल है, कैसी तेरी खुदाई, घर करना था जुदा पहचान क्यों कराई, करना था जुदा पहचान क्यों कराई। मुझे मेरा चैन दे दो, सही जाए ना जुदाई, मेरा चैन दे दो, सही जाए ना जुदाई। करना अगर जुदा पहचान क्यों कराई, करना अगर जुदा पहचान क्यों कराई। हर ख्वाब मेरा है अधूरा, तुमसे ही होगा पूरा, तुम बिन ना जी सकूंगा, बसी मन में बन के नूरा। घर करना था जुदा पहचान क्यों कराई, करना था जुदा पहचान क्यों कराई। चल रही है एक मूरत बन गई हूँ, मेरी सांस चल रही है एक मूरत बन गई हूँ। आ तोड़ दे ये दीवारे, कहीं दूर चले हम। मैं तो हूँ तेरा साया, मुझे तेरे संग ले चल, दो जिस्म मिटा कर हम एक जा बन जाएंगे, दो जिस्म मिटा कर हम एक जा बन जाएंगे। मिल सके मेरे दोस्त, चलो चलो चलो। Thank you.
भाई भी तो यहाँ भी ना है। भाई तुम एक काम करो, वो ऐसे ना मिलने का है, हम अलग अलग ढूंढते हैं, जल्दी मिल जाएगा। हाँ तुम इधर जाओ, हम इधर जा रहे हैं। प्रदीप पायल, ओ प्रदीप पायल, प्रदीप तेरी बहन के मर गया। लटूरी तू इधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। प्रदीप, प्रदीप मेरे दोस्त। मिल जाएगा वो मेरा दोस्त, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं उसके बिना, मैंने अपने दोस्त के साथ ही विश्वासघात किया। चलो उठो सोनू। प्रदीप लगता है हमने आने में बहुत देर कर दी। ये सब क्या हो गया? जिन्होंने हमारी हालत करी है ना, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे याद रखेंगे। अरे अब क्या करेगा तू? बैठो मेरे साथ गाड़ी में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सोनू बेटा तू आ गया। महावीर तू आज अपनी करनी का फल अपनी आंखों से देखेगा। तुम दोनों की खुशी इसी में थी ना कि हम दोनों खुश रहे, में तो हम दोनों ने खुशी खुशी आज एक फैसला करा है। हम दोनों ने खुशी खुशी यह जहर पीने का फैसला किया है। अपनी दोस्ती पे लगे कलंक को मिटाने का और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जब हम तड़प तड़प के मरेंगे ना तो सहनाई बजाना, हमारी लाश पर बैठकर खूब हंसना, इतना तो कर ही सकते हो तुम दोनों। बेटा ऐसा मत कर, तू चाहे हमारी गर्दन काट दे पर हमें यूं तिल तिल मत मार, हमें माफ कर दे बेटा, मत कर ऐसा। अपनी ये सजा तुमने खुद चुनी है, अब भुगतो। पापा मेरी चिंता मत करना, मैं ऊपर जाके बहुत खुश रहूंगी। मुझे माफ कर दो बेटा। हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दे बेटा। ये दुनिया देख लेगी तुम दोनों ने अपनी औलाद को ये सब करने पर मजबूर करा है, और ये दुनिया हमारी दोस्ती की मिसाल को याद रखेगी। माफ कर दो बच्चों, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ये क्या कर रहे हो दोनों? प्रदीप मेरे दोस्त तू जिंदा है? मेरे दोस्त तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, तुझे गलत समझ गया, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई भी है। प्रदीप बेटा हमें भी माफ कर दो। सोनू मीनू पायल हम बदनसीबों को माफ कर दो, हम माफी के लायक तो नहीं है। प्रदीप जो तुम्हारे साथ हुआ ये दोनों बराबर के गुनहगार है उसमें। बेटा हमें माफ कर दो,
प्रदीप बेटा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सोनू हमें माफ कर दो बेटा, हम अपनी झूठी शान के चक्कर में भूल गए थे कि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम जबरदस्ती तुमको अपनी खुशी थोपने चले थे, हमें माफ कर दो बेटा। बेटी हम अपनी अमीरी के चक्कर में तुम लोगों की सच्ची मोहब्बत को भूल गए बेटी, अंधे हो गए थे हम अंधे। तो रहो अपनी झूठी शान और शौकत में, अब मैं देखूंगा ये रुपया ये धन दौलत तुम्हारे किस काम की है। बहुत खुश रहना तुम, चलो पायल। नहीं सोनू, माँ बाप क्या होते हैं वो अपनी औलाद को कितना प्यार करते तू नहीं समझ सकता। तेरे तो माँ बाप है ना, लेकिन उन्हें पता होता है इनका दुनिया में कोई नहीं होता। हमारे माता पिता हमारे माँ बाप बच्चों की खुशी की खातिर सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन में क्या महत्व है। वो झूठ का सहारा लेकर ये सोचते हैं कि अपनी औलाद को खुश रख सके, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग शायद हमें समझ नहीं पाए, पर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं मेरे भाई। पर प्रदीप परवर कुछ नहीं, थप्पड़ खाओगे क्या? सोनू इन्होंने जो भी किया हमारी भलाई के लिए किया, इनका तो बस तरीका गलत था। देख यार सोनू, अंकल की आंखों में आंसू। सेठ जी तुमने इन दोनों को बचा के मेरी इज्जत पर कलंक लगने से बचा लिया। तो फिर मेरे भाई मैं आज एक गलती जरूर करूंगा। अरे अब कौन सी गलती करेगा तू? बता के करना है। अब लगाएंगे प्लान डी। अरे अब ये कहाँ गए? अंकल इसे ही तो कहें, 100 सुनार की और 1 लोहार की। हैप्पी एंडिंग, यस। दर्द न सह पाऊंगी। जब तक सांस चलेगी यूं ही प्यार करता रहूंगा। ले ले जन्म चाहे कितने भी, हर जन्म तेरे साथ रहूंगा। दर्द न सह पाऊं।